आज आप सभी तमाम जितने भी हमारे भगवान स्वरूप श्रोतागण हैं, आप सभी तमाम भगवान स्वरूप हमारे जितनी भी जनता जनार्दन है, आप सभी तमाम श्रोतागणों को, आप सबकी अपनी प्यारी, आप सबकी अपनी दुलारी निशा उपाध्याय का यहीं से पैर छू करके प्रणाम करती हूँ। एक ताली बजा करके अपना आशीर्वाद दे दीजिए। जो जहाँ भी बैठा है वहाँ से एक बड़ा आशीर्वाद अपना ताली बजा करके यहाँ पर दे सकते हैं। और आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जी हुई इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता है हमारे। मैं चाहूंगी कि उन लोगों का नाम थोड़ा एक लिस्ट में बना करके हमको भेज दीजिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस झारखंड की धरती पर निशा को आने का मौका मिला है। तो ये प्यार आशीर्वाद है आप सभी लोगों का और हमारे गुड्डू मिश्रा जी का, जो कि सुर संगम म्यूजिकल ग्रुप आप सबके बीच में है, जिनके माध्यम से मैं आई हूँ। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ गुड्डू मिश्रा जी का। तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इन लोगों के लिए भी। और बहुत सारे कलाकार भी आए हैं, बहुत सारे। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमारा म्यूजिशियन जो टीम है, आर्गन आप बड़ी मस्त बजा रहे हैं। मैं पीछे सुन रही थी, क्योंकि अक्सर डर हो जाता है कलाकारों में कि जब अपना ग्रुप नहीं रहता तो टेंशन होता है कि पता नहीं कैसा होगा क्या नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छी आप लोगों की संगत है, तो मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। इतनी अच्छी आप लोग की जोड़ी है, इतना अच्छा आप लोग म्यूजिशियन बजा रहे हैं। और बारंबार स्वागत है, अभिनंदन है मन से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिस जो भी इस कमेटी के लोग हैं। मैं नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग नाम एक बार जरूर बता दीजिएगा, कुछ लोग जो भी हैं इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता। थोड़ा हाँ, थोड़ा मेंशन हो जाएगा। आइए आप सबके बीच में एक औरत स्केल देते रहिएगा। एक औरत माँ के दरबार में जाती है, माँ से बोलती है कि माँ, एक बेटी होने के नाते, एक औरत होने के नाते माँ मेरा इतना ही फर्ज है कि मैं आपके दर पे आई हूँ माँ, तो बस मैं आपसे इतना ही विनती करना चाहती हूँ कि जब मैं ससुराल जाऊं तो मेरे सास ससुर को, मेरे देवर को, मेरे ननद को बनाए रखना माँ, और जब मैं मायके आऊं तो मेरे भाई को बनाए रखना, मेरे माँ बाप को बनाए रखना, मेरे भौजाई को बनाए रखना, मेरे बहन को बनाए रखना। वो घर बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन घर में औरतें होती हैं, जिन घर में बेटियां जन्म होती है। क्योंकि एक औरत ही होती है कि दो दो घर के बारे में सोचती है, फिर भी अपने आप को कभी कहती नहीं है कि मैं महान हूँ। और वो घर बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिनके घर में बेटियां होती है। वो औरत माँ के दरबार में जाती है, माँ से बड़ा प्यार से अर्जी लगाती है और माँ से कहती है क्या, न गला में आवाज बा, फिर भी ये मैया हमारा तो हरे पनाज बा, कि जाना तारी मैया तू तबाड़ भोली हो, आज भी तू भरे खाली झोली हो। कौन कौन चाहता है कि माँ शेरा वाली उनकी भंडारा भरी रखे, उनकी झोली भरी रखे? जरा एक बार दोनों हाथ उठा करके आप लोग बताइएगा। जो जो मैया शेरा वाली से चाहते हैं, बाबा से चाहते हैं कि उनका भंडारा भरे रहे, जिनको बाबा से प्यार है, जरा दोनों हाथ उठा करके दिखाएंगे। जिनको मैया से प्यार है, एक बार जयकारा लगाएंगे यहाँ पे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की। जयकारा बड़ा कमजोर है आप लोगों का, कोरोना के कारण क्या? ऐसे झारखंड के लोग में तो ऐसी पावर एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि साक्षात बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद है आप लोगों पे। तो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग, इतना पावन धरती पर आप लोगों का जन्म है, आप लोग इतनी पावन धरती पर रहते हैं, बाबा का साक्षात आशीर्वाद है आप लोगों का। अच्छा, अभी थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए, उसके बाद से फिर आप लोगों को जयकारा लगवाती हूँ। औरत माँ के दरबार में जाती है और कहती है क्या, कि बा
अब आप लोग आएंगे। मॉनिटर नहीं है, मैंने घुमा दीजिए हल्का सा क्योंकि हमको सुनाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि